जवाहर नगर इलाके में रविवार तड़के मॉर्निंग वॉक के लिए निकली बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात को एक बदमाश ने अंजाम दिया। बदमाश महिला के गले से सोने की चेन लूट कर ले गया। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। तलवंडी सेक्टर निवासी प्रेम बाई ने बताया कि वो सुबह करीब 4:30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकली थी। उनके मकान के सामने पार्क है। घर से निकलकर पार्क के गेट तक ही पहुंची थी कि पार्क के अंदर से एक युवक आया, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और काली टी शर्ट भी पहनी हुई थी। युवक महिला के पास पहुंचा और गले पर झपट्टा मार दिया। अचानक हुई घटना से महिला भी हड़बड़ा गई, लेकिन उन्होंने बदमाश का हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच कुछ सेकंड तक खींचतान हुई, लेकिन बुजुर्ग महिला वारदात से बचने में असफल रही। बदमाश महिला की चेन तोड़कर पैदल ही गली की ओर से बाहर की तरफ भाग गया। बुजुर्ग महिला ने घर के अंदर जाकर घर वालों को जानकारी दी, जिसके बाद सदस्यों ने आसपास युवक की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने स्थानीय पार्षद योगेश को इस मामले की जानकारी दी है, जहां योगेश ने पुलिस को फोन कर घटनाक्रम के बारे में बताया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। वहीं पुलिस अब मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पूरा 24 न्यूज। इधर से इधर की गेट पे से वो गेट के पीछे खड़ा था, और वो मेरे को मालूम नहीं थी वो मेरी तरफ आएगा। वो जना सीधा गेट में सुकड़ता है, वो तो मेरे यहाँ पत्थर पड़ा ना वहाँ मुँह खड़ी थी, तो वो तो मेरे यहाँ से गला खींच के और चल, वो तो वो देता है चाटम झूठा भी हुई उस बात कोई ना, मैं गिरी भी कोई ना नीचे मुँह खड़ी की खड़ी छू, मतलब ये ऐसे कैसे वो तो चाल तो बड़े लेर भाग।